किचन बंगलों में रहते हैं। देश जल की कृपा से निहाल है, जिनकी नजाकत का ये हाल है कि बादल भी गरजे तो पत्नी से लिपट जाएं, बिजली करते तो एक किलो घट जाएं, धूप में निकले तो चक्कर आते हैं, आंधी चले तो गिड़गिड़ जाते हैं, केले खाए तो दांत हिलते हैं, कालीन पर चले तो फर्श छिलते हैं, जिस चांदनी में भी छतरी लगाए, सूरज का फलकू भी देख ले तो वतन की मिट्टी भी लग जाए तो नहाते हैं, आज वही लोग बंदे मतलब हमारा देश महान है क्योंकि इसलिए आत्मा किसान है। ये बात वही लोग कहते हैं जो एयर कंडीशन बंगलों में रहते हैं। देश जिनकी कृपा से निहाल है, जिनकी नजाकत का ये हाल है कि बादल भी गरजे तो पत्ती से लिपट जाए, बिजली करके तो एक किलो घट जाए, धूप में निकले तो चक्कर आते हैं, आंधी चले तो गिर जाते हैं, केले खाए तो दांत हिलते हैं, कालीन पर चले तो फर्श छिलते हैं, जो चांदनी में भी छतरी लगाए, सूरज का फोटो भी देख ले तो पुनः जाए, वतन की मिट्टी भी लग जाती है तो नहाते हैं, आज वही लोग बंदे मतलब। हम तो उनकी इसी कला के मुरीद हो गए, जिनने उंगली भी नहीं कटाई। बात देखते हैं इसमें, जिससे सब कुछ लिया उसको कह दिए हमने, जिस किसान के अंथक परिश्रम ने बंजर जमीनों को उर्वरा शक्ति दी, पौधे पौधे को देशभक्ति दी, वो चला तो धरती ने डोलना सीखा, वो बोला तो पत्थरों ने बोलना सीखा, उसने जब भी आवाज लगाई खुशबू पैदल जैसे चलते आई, जब भी आवाज लगाई खुशबू पैदल चलती आई, महुए मतरफ लेकर घूमे, जुगने दीपक लेकर घूमे, कलियां पराग लेकर आई, तितलियां पराग लेकर आई, कलियां खुशबू के घट लाई, और कलियां खुशबू के घट लाई, उसने जिस रेगिस्तान को छुआ उसी सन्यासी के घर बेटा हुआ। जिस रेगिस्तान को छुआ उसी सन्यासी के घर बेटा हुआ, फसलें ले लहाने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, एक नई भोर का संदेश लिए, जिन्हें पंछियों तक को दाने दिए, और अकाल पड़ा तो सांप बनकर उसी को डस गया, वो कृष्ण का सदगुण एक मुट्ठी चावल को भी तरस गया। वो कृष्ण का सुदामा एक मुट्ठी चावल को भी तरस गया। और देखिए इसमें ये व्यंग के, वो कृष्ण का सुदामा एक मुट्ठी चावल को भी तरस गया, जिसने बेशुमार कपास उगाए उसका कफन भी महाजन के खाते से आया। जिसने बेशुमार कपास उसका कफन भी महाजन के खाते से आया, क्या विडम्बना है, जिनको कपड़े चाहिए उनके बदन खुले हैं, और जिनके पास हैं वो उतारने भी चुने। सच कहता हूँ, इस देश का मालिक यदि नेता नहीं किसान होता तो देश इंडिया नहीं
हिंदुस्तान हो हिंदुस्तान अब ये देश देश नहीं फाइव स्टार होटल है जहाँ बैठकर बड़े बड़े लोग बड़े चाव से पूरे देश को खाते हैं और हम जैसे उन लोग उनके झूठे बर्तन उठाते हैं। जैसे लोग उनके झूठे बर्तन उठाते हैं जो सच्चे देशभक्त थे वो तो शहीद होकर कब्रों में सो गए और जितने नमक हराम थे सब फेर लवली हो गए। सर ये फिर से सर चरित्रों के उजले चेहरे फुटपाथों पर घूमते हैं और कालू राम के कुत्ते कारों में घूमते हैं। अरे वाह कालू राम के कुत्ते कारों अच्छी वाह वाह जो सच्चे देशभक्त थे कालू राम के कुत्ते कालों में घूमते हैं। हम बेशक आधुनिक हो गए लेकिन परंपराएं आज भी वही प्राचीन है। आदमी सफेद और गधे रंगीन है समुद्र भी उनके पाप धोता है चुनु भर पानी भी जिनके लिए कम होता है जिसका मिट्टी से जन्म जन्म का नाता और सरकार कहती है उसे खेती करना नहीं आता और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमें सिखाएंगी जो करोड़ों का बेजरूर बेरोजगार बना के अरबों रुपये कमाएंगे जो अरबों रुपये कमा के केवल ये बताएंगे कि अच्छा गेहूँ बो तो गेहूँ कैसे होते हैं इस गुप्त ज्ञान का पता लगाने सरकारी खर्चे से अनुमान मनाने हमारे कृषि मंत्री श्री भोला नाथ अपनी मुँह बोली वही कर मुँह बोली भाई वाह अपनी मुँह बोली वही कर आज के फ्लाइट से विदेश जा रहे हैं और हमें यही सोच के चक्कर आ रहे हैं कि जो रोज हमारे सूरज को सूली पे टांगते हैं हम क्यों उन्हीं से रोशनी के भीख मांगते हैं। कौन कहता है कि हम जाग रहे हैं हम वो कस्तूरी के हिरन हैं जो अपनी ही खुशबू के पीछे भागते हैं। आज जो हमारे लिए उजाला है कल उसी दिन से हमारा घर जलने वाला है। शीश महलों की चेतना उसी दिन जगेगी जब हमारे शीश महलों में आग लगेगी और इनके मदद तक इन पर चपरासी पानी तक नहीं भी पिलाएंगे। अब ये देश बचने से रहा हमने कृषि मंत्री से कहा हुजूर आप विदेश जा रहे हैं जाए सही सलामत अपने घर आए लेकिन इतना याद रखना डॉलर के पिंजरे के तोते अंधों के घर आईने नहीं होते। अपना आईना लाओगे तो अपनी सूरत देखने को भी तरह जाओगे। आप देश को उन्नत बनाए नई टेक्नोलॉजी जरूर लाए लेकिन इतना याद रखना कि अपने पाँव की मिट्टी को बचाना गुलामी की जंजीर पहन के घर मत आना वरना फिर सदियों पछताएंगे। हम दूसरा गांधी कहाँ से लाएंगे जो केवल एक लाठी के सहारे बड़े बड़े एटम बमों से लड़ेगा या भगत सिंह लेके का जज्बा लेके फांसी पे चढ़ेगा। और आखिरी पंक्ति देखिए कि मेरे मुल्क के मालिकों बताओ तो सही दूर जीवन से कब सदियों का अंधेरा होगा अपने महलों में उजाला तो कर लिया तुमने हम गरीबों के यहाँ कब ये सवेरा होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।